हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ और एक हेल्दी रेसिपी यानी कि स्प्राउटेड ग्रीन मूंग डोसा। तो झटपट इसकी तैयारी कर लेते हैं। ब्लेंडर में हम अपने ग्रीन स्प्राउटेड ग्रीन मूंग्स को पहले डालेंगे ये आधा प्याज, दो हरी मिर्ची डिसीड की हुई, एक चम्मच जितना 10 मिनट तक सोक किया हुआ मेथी, 5 to 10 करी लीव्स, एक चम्मच जितना ग्रेटेड जिंजर, एक टीस्पून जितना जीरा, एक कटोरी जितना पानी। अब हम अपनी इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे ब्लेंड। इंग्रेडिएंट्स हमारी पूरी ब्लेंड हो गई है। बैटर हमारा रेडी है, बट ये बैटर थोड़ा सा थिक है तो हमें इतनी थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। हम इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे है एक कटोरी जितना पानी, जिसे मैं धीरे धीरे डालूंगी। हमें तो ना ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, बस ये उतनी होनी चाहिए कि इसे हम स्प्रेड कर सकें। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम डालेंगे ये पिंक सॉल्ट एज पर टेस्ट। बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे 1 से 2 मिनट तक। सबसे पहले हम तवे पे थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। हमें अब टेम्परेचर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर तवे का ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम हीट होगा जब, तब हम अपनी बैटर को इसमें पोर कर देंगे और सर्कुलर मोशंस में हमें बस रोल आउट कर देना है। मैंने बैटर को इवनली स्प्रेड कर दिया है राउंड करते हुए। अब हम पहले एक साइड से थोड़ा सेक लेंगे, देखेंगे जब एक तरीके से सिक जाती है ना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ड्राई आउट होने लगता है। इसका मतलब है अब हमें इसे फ्लिप करना है। साइड से हम थोड़ा मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, या तो देसी घी, थोड़ा सा साइड की तरफ हम लगा लेंगे। देखिए ड्राई आउट होना स्टार्ट हो गया है। अब कर लेंगे हम फ्लिप। ध्यान से पहले देख लीजिए, सारी तरफ से आपका डोसा है जो वो निकल जाना चाहिए। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। स्प्राउटेड ग्रीन मूंग डोसा इज रेडी। आप इसे एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी है और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं विद एनी काइंड ऑफ चटनी जो आपकी चॉइस की हो, या फिर आपके चॉइस की किसी पिकल के साथ। तो चलिए मैं फिर आपके साथ मिलूंगी एक इसी तरह की हेल्दी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।